जैसा जैसा कि आपने बताया इस गाने से पहले, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, झोपड़पट्टी की लड़की कैसे 50वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। गांव की झोपड़पट्टी की लड़की अनएजुकेटेड, जब उसके पास जब कोई सोर्स नहीं रहता काम करने का, तो क्या करेगी? कहीं तो कहीं ना कहीं आपकी आपकी कहानी नहीं 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 डालेगी। तुमको कहां से मैं बारगल लग रही हूं? बारगल नहीं तो तुमको कहां से मैं बारगल लग रही हूं? बारगल नहीं तो नीचे से ऊपर की तरफ। मैं बहुत मेहनत करके आई हूं, बट अगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं होता, एक्टिंग का कोई सोर्स नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं एक बारगर्ल बनती। और इसमें कोई शेम नहीं है, कोई शेम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक मतलब डांस इट्स नॉट अ जोक, देर इज नथिंग रॉन्ग। वो उन लड़कियों के साथ मैं हूँ, हमेशा हूँ, हर बार गर्ल के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँ। डेफिनेटली सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? डेफिनेटली हम सच्चाई भी बताएंगे ना कि इसमें कितने कौन कौन इन्वॉल्व है। सुबह वोट मांगते हैं, बहन जी बोलते हैं, रात को बार में कैसे पहुंच जाते हैं, हम सारी सारी कहानी बताएंगे ना। वाई नॉट, ये हम लोग एक रियलिस्टिक पे फिल्म बना रहे हैं। और मधुर भंडारकर जी ने हमेशा हर फिल्म में रियल बताया है, तो हम इस फिल्म में भी उससे भी ज़्यादा रियल दिखाएंगे।